बाजार का रिस्क नहीं लेने वाले निवेशक आमतौर पर रिकरिंग डिपॉजिट यानी कि आरडी में निवेश करते हैं। आरडी में हर महीने छोटा छोटा निवेश करके लंबी अवधि में बड़ा कॉर्पोरस बनाया जा सकता है। बैंकों की तरह पोस्ट ऑफिस भी आरडी की सुविधा देता है। डाकघर की स्कीम में सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि इसमें रिस्क बिल्कुल नहीं होता और ब्याज से गारंटेड कमाई होती है। सरकार ने 1 अप्रैल 2023 से रिकरिंग डिपॉजिट पर ब्याज दरों को बढ़ा भी दिया है। इसमें ब्याज दरों की कंपाउंडिंग तिमाही आधार पर होती है। तो कितना ब्याज है, कैसे अकाउंट खुलवाना है, पूरी डिटेल हम आपको यहाँ इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। आरडी आप बैंक में भी करा सकते हैं, लेकिन पोस्ट ऑफिस में इस वक्त ब्याज थोड़ा ज्यादा मिल रहा है। ऐसे में पोस्ट ऑफिस में आरडी शुरू करके लाखों रुपए का फंड आप तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा देश में केवल पोस्ट ऑफिस ही एक ऐसी जगह है जहां पर जमा पैसों की सुरक्षा की गारंटी भारत सरकार देती है। अब अगर मिलने वाले इंटरेस्ट रेट की हम बात करें तो पोस्ट ऑफिस में आरडी कराने पर इस वक्त 6.50% ब्याज मिल रहा है। पोस्ट ऑफिस में 5 साल के लिए आरडी होती है। ऐसे में अगर आप थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करके भी आप बड़ी रकम तैयार कर सकते हैं। और एक और बात यहाँ पे ध्यान रखी जा सकती है कि 5 साल के बाद इस चलती हुई आरडी को आगे भी आप बढ़ा सकते हैं और इसे कितनी बार भी बढ़ाया जा सकता है। अब थोड़ा सा कैलकुलेशन लगाकर अगर समझें तो मान लीजिए कि अगर आपने पोस्ट ऑफिस में इस वक्त 25 रुपए की आरडी शुरू कर दी है तो काफी बड़ी रकम आप इसके जरिए तैयार कर सकते हैं। 25 रुपए की आरडी आज की ब्याज दरों में 5 साल में करीब 1.77 लाख यानी के 1,70,000 रुपए का फंड तैयार करके आपको दे देगी। इसमें से आपका जमा पैसा 1.5 लाख रुपए का होगा। ब्याज के रूप में आपको करीब 27,481 रुपए मिल जाएंगे। अब इसी आरडी को अगर 5 साल के लिए और आप बढ़ा देते हैं यानी कि 10 साल हो गए, तो ऐसे में आपका जो फंड तैयार होगा वो होगा 4.22 लाख रुपए यानी कि 4,22,000 का। इसमें आपका जमा पैसा रहेगा 3 लाख और जो आपको ब्याज के रूप में मिलेगा वो मिलेगा 1,22,000 रुपए। अब मान लीजिए आपने इस आरडी को 15 साल का कर दिया यानी कि 5 साल के लिए और बढ़ा दिया, तो आपका जो फंड तैयार होगा वो होगा 7,60,000 रुपए का। इसमें जो आपका जमा पैसा है वो 4,50,000 है, ब्याज के रूप में 3,10,000 रुपए आपको मिल जाएंगे। अब इसको 20 साल कर दिया यानी कि 5 साल के लिए और बढ़ा दिया, तो 12,27,000 रुपए का आपका फंड तैयार होगा। इसमें 6 लाख आपके जमा किए हुए होंगे और जो आपकी कमाई है यानी कि ब्याज का जो पैसा मिलेगा वो आपको मिलेगा 6,27,000 यानी कि जितने आपने जमा किया है आपको उससे ज़्यादा ही पैसा ब्याज के तौर पर मिल जाएगा। वहीं अगर इसी तरह आरडी को अब आपने 25 साल का बना दिया यानी कि 5 साल के लिए और बढ़ा दिया, तो 18,72,000 रुपए का फंड आपका तैयार हो जाएगा। आपका जमा किया हुआ पैसा सिर्फ इसमें होगा 7.5 लाख और ब्याज के रूप में जो आपको मिलेगा वो मिलेगा 11,22,000। अब इसको 30 साल मान लो अगर हमने कर दिया है तो आपका जो फंड तैयार होगा 27,61,000 रुपए का होगा। आपने सिर्फ इसमें 9 लाख रुपए जमा किए होंगे और आपको इसका ऑलमोस्ट डबल यानी कि 18,61,000 रुपए ब्याज के तौर पर मिलेगा, यानी कि आपके पैसे से करीब 3 गुना पैसा आपको ब्याज के रूप में मिल जाएगा। देखिए पोस्ट ऑफिस की आरडी में एक व्यक्ति कितने भी अकाउंट खुलवा सकता है। इसमें सिंगल के अलावा 3 व्यक्तियों तक ज्वाइंट अकाउंट आप खुलवा सकते हैं। माइनर के लिए गार्जियन अकाउंट खुलवा सकते हैं। पोस्ट ऑफिस में आरडी अकाउंट पर लोन भी लिया जा सकता है, लेकिन इसमें नियम ये है कि 12 किश्त जमा करने के बाद अकाउंट में जमा रकम का 50% तक लोन लिया जा सकता है। लोन का भुगतान एकमुश्त यानी कि लमसम में या फिर किश्तों में आप कर सकते हैं। लोन की ब्याज दर आरडी पर मिलने वाले ब्याज से 2% ज्यादा होगा। इसमें नॉमिनेशन की भी सुविधा है। पोस्ट ऑफिस के आरडी अकाउंट की मैच्योरिटी 5 साल होती है, लेकिन 3 साल बाद प्री मैच्योर क्लोजर भी इसको किया जा सकता है। यानी कि आपके निवेश का बहुत बेहतरीन तरीका है जिसमें आपको हर महीने छोटा छोटा निवेश यानी कि 2,500 रुपए का निवेश करना है और आपका लाखों रुपए का जो फंड है वो तैयार हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। जानकारी कैसे लगी कॉमेंट करके बताएं। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो गुड रिटर्न्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।